गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अशोक कुमार फ्रॉम भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक फेयर प्ले। स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 3 द सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग। सो दिस टॉपिक इज फॉर क्लास 6 एंड द नेम ऑफ द बुक इज हनीसकल। स्टूडेंट्स, टुडे आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट the topic fair play। Students, in the previous class I have already mentioned, but I am revising this exercise. You are to match these sentences. So there are two types of sentences under first and second. सो जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। जुम्मन और जो अलगू थे वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। इससे मैच आपको करना है, तो मैंने इसमें लिखा हुआ भी है जो फर्स्ट है उसका थर्ड होना चाहिए। सो फर्स्ट है उसका थर्ड होना चाहिए। इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली। एंड द सेकेंड है, द सेकेंड वन इज जुम्मन्स एंड ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू हिम। तो इट मीन्स सेकेंड शुड बी सेकेंड फोर्थ। सेकेंड का फोर्थ आंसर है द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर। इसी तरह से थर्ड का है आपका, ये थर्ड का है सेकेंड। तो थर्ड है क्वेश्चन द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत, दिस वन। एंड थर्ड का सेकेंड है सी वॉन्टेड जस्टिस, बिकॉज शी वॉन्टेड जस्टिस। सो स्टूडेंट्स, यू आर टू डू दीज एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक। क्वेश्चन बी, हु सेज दिस टू हूम एंड वाई। किसने किससे कहा। फर्स्ट है माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन। So who said? So my wife knows best how to run the house. Jumman said this to his aunt when she asked for her monthly allowance. जब उनकी बुआ ने monthly allowance के लिए उनसे कहा, तो उन्होंने तब ये word बोले कि मेरी जो wife है वो अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाया जाता है। And the second one is, but is it right, my son, to keep mum? तो ये किसने कहा था, ये aunt ने कहा था। किसे, अलगू से कहा था, जब aunt ने अलगू से help के लिए कहा था। एंड द थर्ड वन इज वॉट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें क्या कहना है अपने डिफेंस में। सो थर्ड ये जो कहा था अलगू ने कहा था टू हिज फ्रेंड जुम्मन से। फोर्थ है आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू कॉल्ड मी। तो किसने कहा था, ये साहू ने कहा था अलगू से, क्योंकि जब उसने अपनी बैल को दिया था। नेक्स्ट है आपका, ये विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस। ये अलगू सेड टू द हेड ऑफ पंच जुम्मन। ये अलगू ने जुम्मन के लिए ये कहा था कि जो विक्ट्री होती है वो पंचायत की होती है। क्वेश्चन नंबर सी है देन द सिचुएशन चेंज, वॉट इज बींग रेफर टू। तो ये बेटा इनके आंसर्स हैं, द सिचुएशन बींग रेफर टू इज जुम्मन एंड हिज फैमिली बिहेवियर टूवर्ड्स हिज आंट। ये जो इसमें क्वेश्चन है बेटा, देन द सिचुएशन चेंज, वो क्या सिचुएशन थी जो चेंज हो गई। तो आपको ये अच्छे से पता है बेटा कि वो अच्छे मित्र थे, तो जब वो फ्रेंड, उनकी जो फ्रेंडशिप टूट गई तो वो सिचुएशन चेंज हो गई। सो दैट सिचुएशन बींग रेफर टू इज जुम्मन एंड हिज फैमिली बिहेवियर टूवर्ड्स हिज आंट। जुम्मन की आंट जो थी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया इन हिज नेम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट ही वुड लुक आफ्टर हर, कि वो उसकी देखभाल करेंगे। ये जो अरेंजमेंट था वो 2 साल तक तो ठीक चला, लेकिन जुम्मन एंड हिज फैमिली ग्रू टायर्ड ऑफ हर, वो उससे थक गए। एंड दैट बिकेम इनडिफरेंट टू हर, और वो उसके प्रति उदासीन हो गए, और उसकी वाइफ भी थोड़ा सा फूड देने में उसकी इंसल्ट करने लगी। तो ये सिचुएशन चेंज हो गई। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइज दैट शी वाज नॉट वेलकम इन द हाउस। कब किया, व्हेन जुम्मन्स आंट रियलाइज दैट शी वाज नॉट वेलकम इन द हाउस। शी सजेस्टेड दैट जुम्मन
should give her a monthly allowance so that she could set up a separate kitchen. ये जो question है कहना चाह रहा है कि when जुम्मन की aunt ने जब realize किया, ठीक है, तो उसने क्या arrangement किया, क्या उसने जो है what arrangement suggest, तो उसने क्या arrangement suggest किया. नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा आपका, जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, व्हेन जुम्मन शेमलेसली डिसएग्री टू द ओल्ड सजेशन ऑफ ए सेपरेट एंग्री सी एक्सप्लेन हर केस टू द विलेजर्स. जब जुम्मन ने बेशर्मी के साथ वह असहमत हो गया टू द ओल्ड लेडी सजेशन, उसने ओल्ड लेडी के सजेशन को उसने जो है वो डिसएग्री था, तब उस वह जो था सी एक्सप्लेन हर केस टू द विलेजर्स, तब उसने वो जो है अपने विलेजर्स के लिए वह क्या करने लगी, उसने एक्सप्लेन किया. गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच द आंट सैड व्हाट डिड सी मीन, उसके कहने का मतलब क्या था. जब अलगू चौधरी सरपंच बनता है, ठीक है, तो ओल्ड लेडी कहती है कि गॉड लिव्स इन द हेड ऑफ हार्ट ऑफ पंच, तो उसके कहने का मीन्स क्या था. द ओल्ड लेडी मीन्ट दैट, जो ओल्ड लेडी थी उसके कहने का ये अर्थ था दैट द पंच इज़ ऑलवेज अनबियस्ड, जो पंच होते हैं वो अनबियस्ड होते हैं, भगवान का रूप होते हैं. शी रेफर्ड ये यह लाइन, शी रेफर्ड अलगू बाय सेइंग दैट ही वुड नेवर किल हिज कंसाइन, कि वो कभी भी अपनी अंतरात्मा को नहीं मारेगा, एंड एवरीबडी इज इक्वल बिफोर पंच, और जो है प्रत्येक व्यक्ति पंच की नज़र में बराबर होता है. सो द जस्टिस डिलीवर्ड वॉज द जस्टिस डिलीवर्ड बाय द गॉड, और जो जस्टिस होता है ना ये भगवान के द्वारा ही जस्टिस होता है. तो ये जो आपकी वर्किंग विद द टेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आंसर तो आप कर लेंगे, तो ये जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है ये भी इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, तो आप कर सकते हैं. द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्गूमेंट इज टू रिमेन साइलेंट अनफॉर्चुनेटली, तो ये जो तिरछे वर्ड्स लिखे हुए हैं तो बेटा ये आपको एक्सरसाइज में करने हैं. तो उसके साथ आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा. जूम ऐप पर मैं आपको इसे फिर से एक्सप्लेन करूँगा जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है. थैंक यू बेटा.